दोस्तों आज मैं दो फोनों के बीच घमासान युद्ध कराने वाला हूं। जी हां दोस्तों, Realme GT Neo 2 और Realme X7 Max दोनों फोनों के बीच युद्ध होने वाला है। जानेंगे कि दोनों फोनों में से कौन सा विनर निकल के आता है। आप सही समझे, कंपेयर करने वाला हूं दोनों फोनों के बीच, पता चलेगा कौन फोन बेस्ट है प्राइस रेंज के हिसाब से। जी हाँ, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है वो आपके पास जल्द ही पहुंचे। पहले दोस्तों दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो Realme GT Neo 2 में जो डिस्प्ले डाला गया है वो 6.62 इंच की फुल HD प्लस E4 AMOLED डिस्प्ले डाला गया है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डाला गया है और स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए जो गोरिल्ला ग्लास दिया गया है वह कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 जी हाँ 5 पीस में डाला गया है। दोस्तों स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करते हो तो इसमें आपको 92.60% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो डाला गया है। और हाँ दोस्तों, इसमें आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट डाला गया है। वहीं दोस्तों Realme X7 Max की बात करते हैं तो उसमें जो डिस्प्ले डाला गया है वो 6.43 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले डाला गया है। जी हाँ, इसमें आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले है, लेकिन Realme GT Neo 2 में जो डिस्प्ले है वो E4 AMOLED डिस्प्ले है, तो इससे बेटर है E4 AMOLED डिस्प्ले। और हाँ दोस्तों, इसमें आपको 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट डाला गया है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट डाला गया है। और दोस्तों इसमें आपको कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है और ये डिस्प्ले पंच होल के साथ में आ रहा है। जी हाँ, दोनों में आपको पंच होल दिया गया है। तो दोस्तों जो डिस्प्ले है वो लगभग सेम है, लेकिन दोस्तों E4 डिस्प्ले जो डाला गया है Realme GT Neo 2 में वो थोड़ा सा बेटर है सुपर AMOLED से। तो दोस्तों डिस्प्ले में जो विनर है वो Realme GT Neo 2 है। अब दोस्तों बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की, इन दोनों फोन की परफॉर्मेंस की, जो है इसकी सबसे बड़ी ताकत। जी हाँ, फोन की सबसे बड़ी ताकत जो है वो है परफॉर्मेंस प्रोसेसर। तो Realme GT Neo 2 में जो प्रोसेसर डाला गया है वो क्वालकम स्नैपड्रैगन 870 का डाला गया है, जो लेटेस्ट प्रोसेसर है। और दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ये 7 नैनोमीटर पे बेस है। दोस्तों रैम और स्टोरेज की भी बात कर लेते हैं तो इसमें आपको जो रैम दिया गया है, रैम में दो वेरियंट आ रहे हैं, 8GB और 12GB, और जो रैम है वह है LPDDR5। और दोस्तों स्टोरेज की भी बात कर लेते तो स्टोरेज में भी आपको दो वेरियंट आ रहा है, 128GB और 256GB, और स्टोरेज टाइप है UFS 3.1। वहीं दोस्तों बात करते हैं Realme X7 Max की तो उसमें जो प्रोसेसर डाला गया है वो MediaTek की प्रोसेसर है। जी हाँ, MediaTek की Dimensity 1200MT6398 वाला प्रोसेसर डाला गया है। और एक बात आप जान लीजिए कि दोनों प्रोसेसर सेम है। जी हाँ, सेम है, थोड़ा सा भी अंतर, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। लेकिन दोस्तों क्वालकम स्नैपड्रैगन 870 जो है वो 7 नैनोमीटर पर है, वही दोस्तों डायमेंसिटी 1200 वाला जो है वो 6 नैनोमीटर पे है। तो ये थोड़ा सा अंतर है, बस एक नंबर का अंतर है, और मैं तो बोलूँगा कि सेम है, बस सेम है। वही दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसमें जो रैम स्टोरेज है, जो रैम डाला गया है वो है 8GB और 12GB, और रैम टाइप है LPDDR4X। जी हाँ, 4X है, क्योंकि दोस्तों जो डायमेंसिटी 1200 वाला प्रोसेसर है वो LPDDR5 को सपोर्ट नहीं करता है। जी हाँ, वही दोस्तों जो स्टोरेज दिया गया है वो है 128GB और 256GB, और स्टोरेज टाइप है UFS 3.1। तो स्टोरेज टाइप सेम है, और जो रैम है और जो प्रोसेसर है वो भी सेम है, लगभग सेम है। लेकिन फिर भी दोस्तों जो विनर निकल के आता है वो Realme GT Neo 2 का आता है प्रोसेसर में भी, क्योंकि दोस्तों जो रैम टाइप है वो नेक्स्ट जनरेशन का है, और जो थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। जी हाँ, लेकिन फिर भी जो विनर है वो Realme GT Neo 2 है। जी हाँ, प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, दोनों सेम है, लेकिन विनर Realme GT Neo 2 ही है। जी हाँ दोस्तों, फोन को चलाने वाली जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है बैटरी। जी हाँ दोस्तों, बैटरी, तो अभी बात करेंगे दोनों फोन की बैटरी की। तो Realme GT Neo 2 में जो बैटरी डाला गया है वो 5000 mAh की है। जी हाँ, 5000 mAh की है। और दोस्तों जो चार्जर है वो 65W का है। जी हाँ, 65W का है। वहीं दोस्तों Realme X7 Max में जो बैटरी डाला गया है वो 4500 mAh की है, और जो चार्जर है वह है 50W का, 50W का है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 500 mAh कम है Realme GT Neo 2 से, और जो चार्जर है वो 15W कम है Realme GT Neo 2 से। तो बैटरी में आप समझ गए होंगे कौन सा विनर है। जी हाँ, आप समझदार हो, समझ गए होंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। बताने से पहले दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और लाइक कर दियो हो तो बात करते हैं फ़ोन की कैमरे की, दोनों फ़ोन की कैमरे की। तो Realme GT Neo 2 में जो कैमरा दिया गया है, प्राइमरी कैमरा दिया गया है, बैक में दो तीन कैमरा
कैमरा है और जो प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का, जी हाँ 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा दिया गया है रियलमी जीटी न्यू 2 में। और दोस्तों इस कैमरे में 20x डिजिटल जूम दिया गया है और 5x ऑप्टिकल जूम दिया गया है। और दोस्तों ये जो कैमरा है इसमें आपको HDR प्लस सपोर्ट है। और इस कैमरे के बारे में एक और खासियत मैं आपको बता दूं कि ये जो कैमरा है 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है 60fps में, जी हाँ 60fps में, और 1080p में 120fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, जी हाँ। दोस्तों फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो Realme GT Neo 2 में जो फ्रंट कैमरा है वह है 16 मेगापिक्सल का, जी हाँ 16 मेगापिक्सल का है, और फ्रंट कैमरे से भी आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और अब दोस्तों बात करते हैं Realme X7 Max की कैमरे की, तो इसमें भी आपको सेम कैमरा है, जी हाँ सेम कैमरा है, सेम मतलब कि पूरा सेम। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा दिया गया है। फ्रंट में भी आपको सेम कैमरा दिया गया है 16 मेगापिक्सल का, वही आपको 20x डिजिटल जूम दिया गया है, 5x ऑप्टिकल जूम दिया गया है, सब कुछ कैमरे के मामले में सेम है, जी हाँ। तो कैमरे में दोनों विनर है, जी हाँ दोनों पास है यार, दोनों पास है, विनर कोई नहीं, दोनों पास है। और दोस्तों बारी आती है दोनों फोन की कनेक्टिविटी की, तो Realme GT Neo 2 में जो बैंड सपोर्ट है वो 8 बैंड है, जी हाँ 8 बैंड को Realme GT Neo सपोर्ट करता है, यानी कि ये फोन 5G को भी सपोर्ट करेगा, जी हाँ 5G को भी सपोर्ट करेगा। दोस्तों इसमें Wi-Fi 6 आ रहा है, ब्लूटूथ 5.2 आ रहा है, और दोस्तों इसमें Wi-Fi कॉलिंग सपोर्ट है, डुअल सिम वोल्टी सपोर्ट है, LTE सपोर्ट है। वहीं दोस्तों बात करते हैं Realme X7 Max की कनेक्टिविटी की, तो ये भी फोन आपको 8 बैंड को सपोर्ट करता है, यानी कि 5G को सपोर्ट करेगा, और दोस्तों इसमें आपको ब्लूटूथ 5.1 आ रहा है। वहीं मैं आपको Realme GT Neo 2 में बताया कि उसमें जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो 5.2 है, लेकिन इसमें आपको 5.1 है, जी हाँ 5.1 है। इसमें भी वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट है, डुअल सिम वोल्टी सपोर्ट है, और दोस्तों ये फोन भी आपको 5G सपोर्ट करता है, इसमें भी आपको वाईफाई 6 कनेक्टिविटी दिया गया है। दोस्तों कनेक्टिविटी में Realme GT Neo 2 आगे निकल के आता है, जी हाँ कनेक्टिविटी में थोड़ा सा आगे है। अब दोस्तों बारी आती है दोनों फोनों की सेंसर की, जी हाँ सिक्योरिटी की, तो इसमें आपको Realme GT Neo 2 में जो सेंसर दिया गया है ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर है, जी हाँ ऑन स्क्रीन है, E4 AMOLED डिस्प्ले तो ऑन स्क्रीन आपको मिलना ही चाहिए, तो इसमें दिया गया है ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर। और दोस्तों हर एक सेंसर है, जी हाँ फोन में जो भी सेंसर डाला होता है सब सेंसर इसमें है, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, कंपास सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर, हर एक सेंसर इस फोन में डाला गया है। और दोस्तों जो फिंगरप्रिंट सेंसर टाइप है वह है ऑप्टिकल, जी हाँ ऑप्टिकल है। वही दोस्तों आप देखते हो Realme X7 Max में सेंसर, दोस्तों Realme GT Neo 2 में जो सेंसर है वो सब इसमें है, ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, हर एक सेंसर, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, कंपास सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर, हर एक सेंसर सेम है, तो सेम टू सेम है सेंसर के मामले में दोनों फोन, तो सेंसर में भी दोनों फोन पास है, विनर कोई को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सेंसर टाइप दोनों का सेम है और हर एक सेंसर सेम ही है, जी हाँ तो सेंसर में पास है। अब दोस्तों बात करते हैं फोन की प्राइस की, दोनों फोन की प्राइस की, दोस्तों प्राइस आप सुनकर हैरान हो जाओगे। Realme GT Neo 2 की जो प्राइस है दोस्तों वह आ रहा है 2 वेरिएंट में, 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज, और उसकी प्राइस है 31,999 रुपीज, यानी कि 32,000। और दोस्तों इसका जो अगला वाला वेरिएंट है जो अपर लेवल पे है वो है 12GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज, और उसकी प्राइस है 35,999 रुपीज, यानी कि 36,000। अब दोस्तों बात करते हैं Realme X7 Max की प्राइस की, तो उसमें दोस्तों जो प्राइस आ रहा है वो भी आपको दो वेरिएंट में आ रहा है, 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, और उसकी प्राइस है 26,999 रुपीज, यानी कि 27,000। और दोस्तों इसका जो अगला बड़ा वेरिएंट है जो अपर लेवल पे है वो है 12GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज, और उसकी प्राइस है 29,999 रुपीज। प्राइस में जो है वो अंतर है, जी हाँ दोस्तों प्राइस में बहुत अंतर है, और प्राइस रेंज के हिसाब से देखते हैं तो दोनों फोन अपनी अपनी जगह पे हेवी है, सही है प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर आपको स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखते हो दोनों फोन में अंतर, तो अंतर बहुत ज़्यादा है। आपको Realme GT Neo 2 बहुत आगे निकल गया था Realme X7 Max से, जी हाँ, और प्राइस रेंज के हिसाब से देखते हो तो आगे तो निकल के आता है Realme X7 Max,
प्राइस रेंज के हिसाब से। जी हाँ, क्योंकि दोनों फोन में लगभग देखा जाए तो सब कुछ सेम है। जी हाँ, रियलमी GT Neo 2 में जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा बेटर है रियलमी X7 Max से, और प्रोसेसर जो है दोनों का सेम है और सेंसर भी सेम दिया गया है दोस्तों। हर एक चीज़ लगभग देखा जाए तो सेम है, बहुत जगह है जो बहुत सेम है। तो प्राइस रेंज के हिसाब से जो आगे निकल के आता है वो रियलमी X7 Max है, और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखते हो तो रियलमी GT Neo 2 है। जी हाँ, आप कमेंट बताना आपको क्या लगता है दोनों फ़ोनों के बारे में, ज़रूर बताना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।